हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 को रिलीज़ किया है। इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जो इंडेक्स है ये 36 राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स की प्रोग्रेस चेक करती है। करीब 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स हैं इसके। इस इंडेक्स को डेवलप किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के द्वारा। तो दोनों मिलकर इस पे काम करते हैं। 36 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 97 सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स हैं। ये पहली इंडेक्स अगस्त 2018 में लॉन्च हुई थी और अब ये लॉन्च हुई है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019। इस साल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव और आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं। जो आपके लिए ज़रूरी है वो जानना वो ये है कि 5 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स में प्रोग्रेस और आउटकम चेक की गई है। बिल्डिंग्स, एनर्जी इंडस्ट्री, म्यूनसिपलिटीज, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर एंड डिस्कॉम्स। ये कुछ इंडिकेटर्स थे जो पहले भी यूज़ किए गए थे और अब भी यूज़ किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ इंडिकेटर्स नए हैं, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 का और एनर्जी एफिशिएंसी इन एमएसएमई क्लस्टर्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। जो क्लस्टर्स होते हैं, जो एंटरप्राइजेज होती हैं, उनमें एनर्जी एफिशिएंसी कितनी है। तो एंटरप्राइजेज में और एक बिल्डिंग कोड पे ये इंडिकेटर्स जो हैं यूज़ में लिए गए हैं। अब एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है वो जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें इंडेक्स में जो रैंकिंग किस तरीके से आती है। देखो, बेसिकली कंपैरिजन करने के लिए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर, एस्पिरेंट का टैग दिया जाता है। कितना उनकी टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई हो रही है, भाई जितनी डिमांड है उनकी और किस हिसाब से वो सप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से दिया जाता है। अब इस साल जो है फ्रंट रनर स्टेट रहा नहीं। इस साल अचीवर कैटेगरी में 3 स्टेट हैं। अचीवर कैटेगरी के 3 स्टेट हरियाणा, केरला, कर्नाटक का, ये आपको याद रखने है। हरियाणा, केरला, कर्नाटक का, बस ठीक है, याद कर लेना, हरियाणा, केरला, कर्नाटक का अचीवर कैटेगरी। बाकी कोई फ्रंट रनर स्टेट इसमें है नहीं। और मैं बता दूं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा और अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी के दोनों के द्वारा ये बनाया गया। पहली जो है अगस्त 2018 में निकली थी, ठीक है, ये आपको याद करना है। अच्छा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या है? देखो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है, ऐसी पॉलिसी बढ़ानी है ऐसी, ताकि एनर्जी का जो इंटेंसिटी यानी कि एनर्जी की सप्लाई भी पूरी हो, डिमांड जितनी हो उसको हम मीट कर पाएँ, और एमिशन भी कम हो, और जो भी हो एनर्जी इनिशिएटिव्स किस तरीके से लिए जा रहे हैं वो सब जो है ये देखती है, ऐसी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ ये बनाती है, असिस्ट करती है बेसिकली। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना, ये TAE नहीं है, BEE है। तो जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ये कोऑर्डिनेट करती है कंज्यूमर्स के साथ, एजेंसीज के साथ और अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि एग्जिस्टिंग रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से काम चलाया जा सकता है। प्रीम्स के लिए आपको जो जानना जरूरी है वो ये है, एक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, दूसरी स्टेचुटरी बॉडी है, तीसरी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर इसको पावर मिली हुई है, फंक्शंस मिले हुए हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंदर इसको पावर मिली हुई है। दूसरी बात, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 ये रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर कोल, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कोल प्लस मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एंड माइन। तो इनमें ये सारी मिनिस्ट्री जो है ये मिलके एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 का निर्माण इन्होंने किया था। ये कोड क्या है? ये कोड बात करता है कि कमर्शियल बिल्डिंग्स अगर बनाई जाएंगी तो किस तरीके से बनाई जाए जिसमें एनर्जी की सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, कंजप्शन कम से कम हो, और जो है आप सारी चीज़ों को ढंग से कर भी पाएँ। इसके लिए इन्होंने बताया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से आप डिज़ाइन कर सकते हो बिल्डिंग को, किस तरीके से आप आर्किटेक्चर बना सकते हो, मतलब पूरी जो है इन्होंने डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है, स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की है कि ऐसी डिज़ाइन निकले बिल्डिंग की कि एनर्जी की खपत
कम से कम हो और जो ज़रूरतें हैं उनका पूरा जो है काम हो जाए, ज़रूरतें भी आसानी से पूरी हो जाए। 2017 में ये कोड आया था। बेसिकली मिनिमम एनर्जी सेविंग करनी ही पड़ती है 25% की, जो भी बिल्डिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017 का पालन कर रही हैं उनको मिनिमम एनर्जी सेविंग करनी पड़ती है 25% का। अगर मान लो वो ज़्यादा अच्छे से काम करती है और 35% तक की सेविंग ले आती हैं तब उनको ECBC+ कैटेगरी का स्टेटस मिल जाता है। अगर 50% तक सेविंग ले आती है और काम उतना ही कर रही है जितना पहले करती थी तो सुपर ECBC स्टेटस का इनको स्टेटस मिल जाता है। तो 25% का तो करना ही है, 35% कर दिया तो प्लस वाला स्टेटस और 50% वाला कर दिया तो सुपर वाला स्टेटस। अच्छा देखो, एक और करंट अफेयर जो न्यूज़ में था वो ये था कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही ने नीति आयोग के साथ मिलकर इंडिया की एनर्जी पॉलिसीज़ का रिव्यू किया है। कुछ बातें निकली हैं यहाँ पे, कुछ फाइंडिंग्स है वो ये है कि इंडिया ने 2018 में $25 बिलियन स्पेंड किए थे सब्सिडीज़ पे कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के लिए। अगर आप देखें मैं अगर इनकी उपयोगिता क्या है, मतलब ये किस तरीके से फाइंडिंग्स आपके काम आ सकती है, बेसिकली मेंस में काम आ सकती है, आप मेंस में इनको कोट कर सकते हैं। जैसे इंडिया वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोयल का, ऑयल का है ना, तेल का सबसे थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडिया है, सबसे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट है ना। और अगर मैं रिफाइनर और उसको एक्सपोर्ट करने की बात करूँ, भाई हम कच्चा तेल लेते हैं, क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, फिर उसको बेच देते हैं, भारत ये तो करता है। तो भारत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने में तो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऑयल का कंज्यूम करने में तो थर्ड लार्जेस्ट है, रिफाइनर और एक्सपोर्ट करने में चौथे नंबर पर आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट की एक एम है, एक टारगेट है कि हम नेचुरल गैस का जो शेयर है कंट्री की एनर्जी मिक्स में वो 2030 तक 15% कर देंगे। आज ये 6% है नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी में, जो हमारी एनर्जी की डिमांड पूरी होती है उसको 2030 तक 15% कर देंगे। और हम अगर देखा जाए GDP की और एनर्जी और एमिशन जो इंटेंसिटीज़ हैं अगर उनसे GDP का प्रतिशत निकाला जाए तो 20% से ज़्यादा ये गिरी है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये किसी प्रीलिम्स में आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्या क्या फाइंडिंग्स थी, हालांकि आप ये अपने मेंस के आंसर में कोट कर सकते हैं। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी OECD के फ्रेमवर्क में, है ना, 1974 में एस्टेब्लिश हुई थी OECD के फ्रेमवर्क में। इसका मिशन है कि ये रिलायबल अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को विकसित करना चाहती है अपने 30 मेंबर कंट्रीज़ के लिए। अब OECD में 36 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 1961 में आई थी और OECD का खुद का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और इसलिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो भी पेरिस फ्रांस में है। OECD में 36 मेंबर कंट्री है, हालांकि 30 मेंबर कंट्री इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का पार्ट है। मैं कैसे कह सकता हूँ ये, क्योंकि जितनी भी OECD किसी भी कंट्री को अगर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर होना है तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मेंबर उसको होना ज़रूरी है। तो 30 मेंबर OECD के इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मेंबर हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और इंगेजमेंट पे काम करती है। हेडक्वार्टर आपको पता बताई दिया मैंने, बाकी 1974 के टाइम पे निकल के आई थी जब ऑयल्स का क्राइसिस निकल के आया था, भाई ऑयल सप्लाई में क्या डिस्रप्शंस आ गए थे। तो जो मेंबर्स हैं, मान लो तेल की सप्लाई रुक जाती है, कहीं भी अटैक हो जाता है तेल की सप्लाईज पे, टैंकर्स पे, तो ऑयल की डिमांड तो चलती रहेगी। तो ऑयल की डिमांड किस तरीके से पूरी कर सकते हैं, अभी 30 मेंबर है इसके, 30 मेंबर है, उनमें से एसोसिएट कंट्रीज़ आप याद रख लीजिए, एक तो ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इंडिया OECD का मेंबर भी नहीं है, इंडिया एसोसिएशन कंट्री है, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, मोरक्को, सिंगापुर, थाईलैंड सब ये एसोसिएशन कंट्रीज़ है, 7 एसोसिएशन कंट्रीज़ है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसकी रिपोर्ट्स भी आती हैं कुछ, इसकी रिपोर्ट्स जैसे ग्लोबल एनर्जी एंड CO2 स्टेटस रिपोर्ट 2017, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी स्टेटिस्टिक्स 2017, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस 2017, एनर्जी टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव्स ऑयल 2018 जो हर 5 साल में फोरकास्ट निकल के आता है, और ओशियन एनर्जी सिस्टम्स। ठीक है, ये इसका एक पार्ट है, बेसिकली ओशियन एनर्जी सिस्टम इसका एक पार्ट है जो कि
देखते हैं किस तरीके से ओशियन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उपयोग हम ले सकते हैं, है ना। तो पांच इसकी रिपोर्ट है, वो आपको ये देखना है, पांच रिपोर्ट आपको याद रखना है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एनर्जी CO2 स्टेटस रिपोर्ट 2017 और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक अगर पूछ ले तो किसके द्वारा रिलीज होता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। गाइस ये थी हमारी वीडियो, इसकी PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।